वाह देख लिया गाइस, सबसे सुंदर देखने में हमें तो यही लगा, सबसे सुंदर। गाइस इसी बैरक में गिरा था मकसूद, देख सकते हैं मकसूद को कैसे हवा टाइगर कैसे उसको देख सकते हैं कैसे उसके साथ वो कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है। और गाइस मकसूद देख सकते हैं कि कितना छटपटा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी लोग बहुत कोशिश किए बचाने की लेकिन लोग बचा नहीं पाए। गाइस मकसूद की मुंडी पकड़ लिया और अपने बैरक में लेके चला गया, उसको मार दिया। गाइस चलो यही वाला प्लेस आगे दिखाएंगे, अब इसका बैरिकेटिंग बढ़ चुका है। 30 प्रकार के पंछी और जानवर दोनों मिला के 130 प्रकार के हैं गैस। अब चलो देखते हैं, लगभग 1350 सारे मिला के 1350 जानवर और पंछी हैं यहाँ पे गैस। देखते हैं कि क्या क्या है। और वाइट टाइगर गैस, इसी में मकसूद जो था, मकसूद नाम का एक लड़का था, तो गैस इसी में आया था और वाइट टाइगर के पिंजरे में गिर गया था। तो गैस वहीं पे शायद इसी पार्क में वही वाइट टाइगर मकसूद को मार डाला था। चलो देखते हैं कि कौन सी जगह है, वो भी जगह आपको दिखाते हैं। जू पार्क में एंट्री करने से पहले आप यहाँ पे मेन गेट पे ही है ये, आप यहाँ पे खाना वाना सारा की चीज़ खा सकते हैं। देख सकते हैं लोग पार्क में जाने से पहले ही खाना वाना खा रहे हैं। गाइस पार्क बहुत बड़ा है, इसलिए आप जाएँ तो पहले खाना वाना खा के आराम से जाएँ, इसमें घूमें। हे गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हम हैं दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में, जहां मकसूद को वाइट टाइगर ने मार दिया था। सो गाइस आज हम उसी में हैं और इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और देखिए मैं इसमें यहां पे जूलॉजिकल पार्क के मेन गेट पे हूं। चलते हैं अंदर, टिकट देखते हैं कितने का पड़ता है। पार्क में गाइस, पार्क में जाने से पहले खाने पीने की वस्तुएं ना लेके जाएं, प्लास्टिक वाले चीज़ अक्सर इसमें नहीं मना है। खाने पीने की वस्तुएं इसमें ले जाना सख्त मना है गाइस, इसमें खाने पीने की वस्तु आप नहीं ले जा सकते हैं। सो हेलो गाइस, टिकट पड़ा है 100 रुपये का, पर पर्सन 100 रुपया पड़ रहा है टिकट, और बच्चे का है 50 रुपये। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो गाइस गेट नंबर 3 से हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन का सुविधा नहीं है, ऑनलाइन का ही है सिर्फ। तो गाइस चल रहे हैं, अब एंट्री करेंगे, देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पे होगा पहले सामान चेक, फिर यहाँ से ये होगी अंदर। तो गाइस तो फाइनली हम पार्क के अंदर आ चुके हैं, और ये रहा हमारा टिकट जो कि बारकोड के कारण बारकोड से मिला है, आप देख सकते हैं इसमें है। 100 रुपया का पड़ा है, ऐसे तो टिकट 80 रुपया का पड़ता है, लेकिन दूसरे से कराए हैं तो 100 रुपया का दिया, मुझे जल्दी था तो 100 रुपया का टिकट ऐसे मिला है। तो गाइस अब चलते हैं अंदर, पार्क दिखा रहे हैं आपको कैसा है। तो गाइस ये है गेट का व्यू इधर का। ये चिड़ियाघर पुराने किले के पास में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान है। अब चलते हैं, आपको पार्क दिखाएंगे पूरा। गाइस यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि लगभग 130 प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु हैं, जानवर भी हैं और पंछी भी हैं। 130 प्रकार के पंछी और जानवर दोनों मिला के 130 प्रकार के हैं गाइस। अब चलो देखते हैं, लगभग 1350 सारे मिला के 1350 जानवर और पंछी हैं यहाँ पे। गाइस इस पार्क में ऑटो भी चलता है और पर पर्सन 70 रुपये के हिसाब से चलेगा, जो कि बड़ा पार्क बड़ा है इसलिए यहाँ पे ऑटो चलता है। देख सकते हैं बैटरी रिक्शा है यहाँ पे लगा हुआ है, पर पर्सन के हिसाब से 70 रुपया बोल रहे हैं दाम। गाइस पूरा पार्क घुमाने के लिए यहाँ पे ये चीज है, देख सकते हैं आप लोग, दिखा रहा हूँ। वहाँ पे बहुत दूरी है गाइस, बहुत दूरी पे खड़े हुए हैं वो लोग। गाइस जो कि सामने बैठे हुए हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको कहाँ है। ये सामने बैठा हुआ है और 4-5 उधर में है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, जिसे हम लोग नीलगाय भी बोलते हैं वो भी है यहाँ पे। हिरन भी है, कस्तूरी भी है। गैस बैठी हुई है, वो है कस्तूरी। एक बैठी हुई है और गैस उधर में जो घूम रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। उधर में देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे, उधर में कुछ घूम रहे हैं। गाइस अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हैं यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर पार्क है, यहाँ पे बच्चे एंजॉय बहुत करेंगे, अच्छे तरह से एंजॉय उनका हो जाएगा और घूम भी लेंगे अच्छी तरह से। गाइस यहाँ पे बच्चों के साथ आएँ, परिवार फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, कैसे भी करके आ सकते हैं यहाँ पे। जो कि दिल्ली में जू पार्क है, नेशनल जू पार्क के नाम से जाना जाता है इसे। गाइस यहाँ पे है शेरपुश बंदर, दिखा रहा हूँ आपको। गाइस ये है शेरपुश बंदर। ये है शेरपुश का पिंजरा है, मान लीजिए पिंजरा ही है ये शेरपुश। इसमें बस 2-3 बंदर हैं इसमें। शेरपुश जो बोल रहे हैं, शेरपुश लिखा हुआ है, वो जो बैठा हुआ है सामने वो शेरपुश की तरह ही है। आगे में उसका शेर की तरह, शेर जैसे शेर के मुंह में ऊपर में मुंह पे बाल होता है वैसे उसके भी बाल हैं। तो गाइस अब यहाँ पे है हैमड्रेस बैबून, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। पिंजरे में चला गया उसमें, वो वहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गया, निकल गया। ये आ रहा है, तगड़ा लग रहा है यार। गाइस इधर नहीं देख रहा है वो, उधर में देख के और पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, मिट्टी खोद रहा है। इधर नहीं देख रहा है, इसी कारण हम इधर में नहीं दिखा पा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरा, आगे दिखाएंगे क्या है। और गाइस इसमें है बोनट बंदर, जो कि बोनट बंदर तो हर जगह देखने को मिल जाते हैं। ये भी अपने अभी पिंजरे में ही दिखाई दिया, अभी पिंजरे में ही ऊपर में है। गाइस पार्क काफ़ी बड़ा है, घूमने में समय लग सकता है। अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो कृपया समय से आएँ। एक है 9 से 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे से 4:30 बजे तक टिकट मिलता है यहाँ पे। उसके बाद ये पार्क बंद हो जाता है गाइज। तो ये यहाँ पे हम जिधर जा देखने को मिलेगा। पाड़ा हिरण, कृष्ण मुरी, सिक्का हिरण, सांबर हिरण जन सुविधाएँ। बाहर जाने का रास्ता इधर ही है। तो गाइस और क्या क्या है गाइस, इस पार्क की भी सफाई चल रही है, इसी कारण देख सकते हैं कि वो अगले वाले ग्राउंड में रख दिया गया है उनको, इसी कारण उसमें हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं। गाइस इस पार्क की अभी सफाई हो रही है, इसी कारण उसमें डाल दिए हैं उन लोगों को। गाइस यहाँ पे पिकॉक बैठी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी हुई है। मोर है, मोर का पिंजड़ा बनाया गया है, पूरा टोटल मोर का पिंजड़ा ही है। गाइस जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो है सांभर, इसे सांभर के नाम से बोलते हैं और क्या बोला जाता है हमें तो पता नहीं है। गाइस ये है सांभर जो दिखाई दे रहा है सामने, आपके सांभर दिखाई दे रहे हैं और बाकी सब उधर हैं। बारहसिंगा भी है इसमें लग रहा है, इधर में घास खा रहे हैं बारहसिंगा भी है गाइस इसमें, देख सकते हैं वो कचरे में अपना मजा ले रहा है। ओ वाह, बारहसिंगा मजा ले रहा है अपने पानी का। गाइस जो कि यहीं पे सही से देखने के लिए मिला है, बाकी सब तो दूर दूर अपने पिंजड़े में हैं। यहीं पे जो है सो अच्छे से देखने के मिला है कि पास में ही बैठे हुए हैं, बाकी सब तो दूर दूर अपने पिंजड़े में छुपे हुए हैं। सुबह का टाइम है इसलिए कि पता नहीं खा लिए हैं, इसलिए गाइस हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अपने पिंजड़े में ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। सारे जानवर अपने अपने पिंजड़े में ही रह रहे हैं, ठंड के कारण लग रहा है। ठंडी भी बढ़ गई है दिल्ली में। सांभर हिरण जो कि वो घास खा रहे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं। गाइस घूमने के लिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, आप अगर आ सकते हैं तो आज आप अगर दिल्ली में घूमने आते हैं तो इस प्लेस को विजिट ज़रूर करें। गाइस यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आएंगे, बहुत ही खुश होंगे वो लोग। गाइस यहाँ पे एक ऐसे जानवर हैं, पंछी हैं, जानवर हैं जो कि देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर अगर आ रहे हैं घूमने के लिए तो आप देख के इंजॉय भी कर सकते हैं। गाइस इसमें शिफ्ट हो गए हैं, वही हैं, ये बहुत सारे है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। वाह, देख लिया बारहसिंगा इसमें भी डाला हुआ है और पाड़ा हिरण भी है इसमें। गाइस ये है कृष्ण मृग, बहुत सारा है। गाइस यहाँ पे कृष्ण मृग अलग अलग कलर के भी हैं, ब्लैक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, सारे कलर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। इनको कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता है। गाइस कितनी सुंदर लग रहे हैं देखने में, बहुत ही मस्त लग रहे हैं देखने में ये लोग। गाइस हम जिधर जा रहे हैं ये सब देखने के लिए मिलेगा, हम उधर ना जाके इधर जा रहे हैं, पहले इधर घूम के आएंगे फिर इधर से ही निकल जाएंगे घूमते घूमते। गौर है गाइस जो दिखाई दे रहा है आपको सामने में, वो गौर दिखाई दे रहा है, एक बैठा हुआ है और बाकी सब चल रहे हैं। तीन चार हैं, एक चल रहा है, बाकी एक बैठा हुआ है, एक खा रहा है, एक चल रहा है। यह है गौर, कुछ तो दिखाई दे रहा है। उधर में भी हैं लेकिन वो दूसरे हैं और ये दूसरे उधर से दिखाए सांभर, उधर में सांभर हैं और इधर में गौर है जो कि दोनों पास पास में ही हैं। इधर में भी कुछ रखा हुआ है, इधर में भी दिखा रहे हैं क्या है। गाइस ये है ताड़ बिलाव जो कि ऊपर में देख सकते हैं कि सो रहा है, ऊपर में भी सो रहा है। ये अभी सो रहा है, देख पा रहे होंगे ऊपर में भी सो रहा है, अंदर में भी नहीं है, ऊपर में भी। ताड़ बिलाव इसमें जंगली बिल्लियाँ जो कि बाहर में नहीं है, अभी अंदर में सो रही हैं वो लोग। गाइस इसमें है लोमड़ी, वो बैठी हुई है गाइस, छोटी सी दिखाई दे रही है। गाइस लोमड़ी अभी सो रही है, देखो। गाइस यह लोमड़ी का पिंजरा, जो कि सबसे चतुर होती है लोमड़ी, उसका है वे। यह गीदड़ का पिंजरा और वहाँ पे गीदड़ बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, मजे से ठंड से टिकुर रहा है। गाइस देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं घूम के। गाइस ये है डायनासोर, जिसे गेंडा के नाम से जाना जाता है। एक इधर है और एक उधर बैठा हुआ है, दो इसमें बैठे हुए हैं। इस थोड़ा थोड़ा कुछ देखने के लिए मिल रहा है, बाकी सब तो अपने अंदर ही घर में ही बैठे हुए हैं। कुछ हैं तो जो दूरी पे बैठे हुए हैं, इधर में पास में नहीं आ रहे हैं, उधर में ही बैठे हुए हैं। पास से देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। सकते हैं वो वहाँ पे बैठा हुआ है और एक उधर में बैठा हुआ है। एक सिंह वाला है राइनासोर, और गेंडे दोनों नाम से इसे जानते हैं। अंग्रेजी में राइनासोर बोला जाता है और हिंदी में गेंडा बोला जाता है। ये भी हिरन ही लग रहे हैं, कोई हिरन ही है, दिखा रहे हैं अभी क्या है। यहाँ पे कैंटीन की भी सुविधा है गाइस। गाइस ये टूटल बना है पंछियों के लिए, पंछी अभी इसमें पंछी देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं कौन कौन सा पंछी है इसमें। पीला पीला मकाऊ और ऊपर में बैठा हुआ है गाइस, और ब्लू कलर का बैठा हुआ है, देख सकते हैं। नीला पीला मकाऊ कितना सुंदर लग रहे हैं देखने में। गाइस नीला पीला मकाऊ सेम टू सेम ऐसे ही वहाँ पे हैं। टोटल यहाँ पे लग रहा है नीला पीला मकाऊ ही रखे हुए हैं क्या। इधर भी वही है, फर्क बस थोड़ा थोड़ा फर्क दिख रहा है कि बड़ा छोटा बस। मिलिट्री मकाऊ, यह है मिलिट्री मकाऊ, जो कि वो पास में बैठा हुआ है उधर में अपने घर में, पास में जो ऊपर बैठा हुआ है। यह जो बड़ा, यह है लाल हरा मकाऊ, जो कि वो ऊपर में बैठा हुआ है, लाल रेड कलर का दिखाई दे रहा है। दो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर के हैं, वही है लाल हरा मकाऊ, एलिगर्स मकाऊ, जो कि ऊपर में बैठा हुआ है। यही पास से देखने के लिए मिला है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहे हैं देखने में। दोनों खा रहे हैं, अपना मटर खा रहे हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ गाइस। ये लालरा मकाऊ है, इलेक्ट्रस तोता है गाइस। इसमें तो कुछ देखने के लिए मिल रहा है, उधर तो थोड़ा मोड़ा भी नहीं मिला। वेराइट पॉकेट वो वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ऊपर में बैठा हुआ है। अफ्रीकान भूरा तोता है, कुछ भी नहीं है गाइस, वो ऊपर में बैठा हुआ है, देख सकते हैं ऊपर में जो है पिंजड़े के नीचे में बैठा हुआ है। एक ही है गिलहरी है गाइस, और वो है एमहरेस फेजेंट है, गोल्डन फेजेंट है। में इसमें 3-4 हैं। वाह, सिल्वर फेजेंट। गाइस एक ऊपर में बैठा हुआ है, इसमें भी वही है, इसमें 3 है, एक वो है और 2 सिल्वर फेजेंट है जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोने में दिखाई दे रहे होंगे। गाइस यह है जो कि पंछियों के लिए बनाया गया है, यह पंछियों का पिंजरा है, ये जिसमें बस पंछी रखे हुए हैं और कुछ इसमें नहीं है, जानवरों में है सब आ रहे हैं, पंछियों के लिए ही बनाया गया है। तो पूरा पंछी इसमें लगे हुए हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा में, देख सकते हैं कितना बड़ा में बनाया गया है इसे, ये बस पंछियों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे हर एक पंछी इसमें मौजूद हैं। गाइस यहाँ पे है भूरा तीतर जो कि एक पास में आता हुआ दिखाई नजर आ रहा है, काला तीतर पास में बैठा हुआ भाग गया। गाइस ये है तोता, तोता तो हर जगह देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर में बैठे हुए हैं। इधर में बस 1, 2, 3 पिंजड़ा बनाया गया है जो कि बस तोता ही तीनों में रखा हुआ है, और इसमें हिरामन तोता रखा हुआ है, ये देख रहे हैं खा रहा है, मजे से ले रहा है खा के। लालवन कुछ इसमें कुछ नहीं है गाइस, पैराकिट तोता। गाइस समय समय पे अपना रंग बदल लेता है ये तोता, जो को ऊपर में दिखाई दे रहा है, 2 कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो बदला हुआ है, 3 है इसमें, 3, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। छोटा धनेश गाइस अपने पिंजरे में बैठा हुआ है ऊपर में। गोल्डन फेजेंट ये तो उधर में दिखाए थे। सिल्वर फेजेंट गाइस इसमें एक ये है और 2 इधर में दिखाई दे रहे हैं। मुर्गा एक मुर्गा, रेड जंगल फलो एडवांस पेजेंट गाइस वो बैठा हुआ है। एक जाली इतना तगड़ा बना दिए हैं किसी से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये वहाँ पे बैठी हुई है गाइस, काला मुर्गा जो कि ये है। सफेद मोर है, एक मोर ही है गाइस, ये सब मोर बनाए गए हैं यहाँ पे, सफेद मोर भी है। गाइस जो ऊपर में दिखाई दे रहा है सफेद मोर बनाए गए रखे हुए हैं यहाँ पे। गाइस उधर से जैसे हम उधर से घूम के गए हैं और वैसे घूम के और यहाँ पे आए हैं, बाहर निकल चुके हैं यहाँ से बाहर आए हैं। अब इसके अंदर भी थोड़ा है, इसमें भी थोड़ा रखा हुआ है, चलते हैं देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पक्षी है। गाइस इसमें भी चलो देख लेते हैं एक बार। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बोल दीजिए मैडम, सॉरी बोल दीजिए मैडम, बोल दीजिए जो बोलना है। हाँ हाँ बोल दीजिए। व्हाट्सअप ब्लॉग नेम मेरा A2Z ब्लॉग। हाँ A2Z गाइड है। थैंक यू। गाइस इसमें भी कुछ रखा हुआ है, चलो देखते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे जो होते हैं वो है इसमें। गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। गाइस दिखा रहा हूँ, जेब्रा पिंक है। गाइस देख सकते हैं कितने छोटे छोटे, कितने मस्त लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। जेब्रा फिन से भी हैं। तेलिया मुनिया जो कि उधर में है, छोटे छोटे हैं जो देख सकते हैं आप। इधर में एक है, उधर में थोड़े से हैं और वहाँ पे दो तीन बैठ के दाने चुग रहे हैं। ऊपर में ही सारे हैं। इसका कलर देखिए गाइस एक बार, सुंदर लग रहा है देखने में। गोल्डन फिन। गाइस एक ये है और एक गोल्डन फिजन वो खा रहा है। सिल्वर फिजन। पकड़ ले ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा ना बच्चों। अरे मुंह घुमाएगा, बात करना गाइस सबसे सुंदर देखने में हमें तो यही लगा, सबसे सुंदर देखने में यही लगा गाइस। और ये लगा और वो आगे में जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो लगी। गाइस ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना सुंदर मुझे कोई भी चीज़ लगा नहीं। और सिल्वर एक ये है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहे हैं ये लोग। गाइस मिल गया, देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। गाइस ये है छोटा सुग्गा जो कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मजे से खा पी के अपने मजे ले रहे हैं धूप का। गाइस ये टोटल है जो कि पंछियों के लिए ही बनाया गया है, छोटे से लेके और जो मीडियम साइज तक हैं। गाइस इसमें पंछी इसमें हैं, बाकी सब उधर में जो बड़े बड़े हैं वो थे और इधर में ये हैं। गाइस जितना पंछी हम लोग देखे हैं इसमें तो इतना ही पंछी थे। अब आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है इसमें। अब जानवर ही दिखेंगे, पंछी तो दिखेंगे नहीं, अब जानवर ही दिखेंगे। तो गाइस अब चलते हैं जानवर देखने। गाइस यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, चलो देखते हैं कि इधर भी क्या है। वहाँ पे भी चिड़िया थी और इधर भी कुछ चिड़िया उड़िया रखा हुआ है, इधर में पता नहीं कौन सा है। तो गाइस चलो देखते हैं। गाइस इसमें तो कुछ नहीं दिखा रहा है, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, ऐसे ही है। थोड़ा एक आध दो रखा हुआ है। इसमें एक ऊपर में दिखाई दे रहा है, काली चील है, ब्राह्मणी चील है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। गाइस मिस्री गिद्ध जो कि ऊपर में बैठा हुआ है, मैं भी बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ गिद्ध को। देख सकते हैं कैसे है, कैसा है गिद्ध। तो गाइस इसमें पिंकल मगरमच्छ जो कि उधर में हमेशा है कि सो रहे हैं। गाइस ये पिंकल मगरमच्छ जो कि देख रहे हैं सो रहे हैं अभी। ये है दरियाई घोड़ा। और कितना बड़ा है भाई, दरियाई घोड़ा बहुत ही बड़ा है। इधर नहीं आ रहा है, उधर ही है, लग रहा है। आएगा क्या? गाइस भयंकर दिख रहा है यार। तो गाइस छोटे छोटे देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे हैं, उधर भी हैं। गाइस यहाँ है अफ्रीकन हाथी जो कि वो बगल में दिखाई दे रहा है, बड़ा है, अफ्रीकन हाथी है। गाइस ये अफ्रीकन हाथी जो कि इधर नहीं देख रहा है, उधर में देख रहा है। ये क्या, हम भाई साहब को देखने आए तो भाई साहब तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। शेर अभी सो रहा है गाइस, इधर नहीं आएगा लग रहा है, शेर अभी सो रहा है। इधर में सो रहा है गाइस। गाइस ये है धनेश, देख सकते हैं। गाइस इसको धनेश कहा जाता है, धनेश पक्षी है। पूरा बैरिकेटिंग हुआ है, इसमें तेंदुआ है और चीता है, दोनों इसमें रखे हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे मकसूद इसी ग्राउंड में गिरा था, वो अगर आपको दिखाई दे रहा है वही मकसूद को मार दिया था। गाइस सो रहा है, अभी जगह नहीं है, अभी सो रहा है। सारे आदमी इसको देख रहे हैं, नजर बुलाए रखे हैं कि कब जागे हो लोग देखें। देख लीजिए वो सो रहा है, अभी पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी निकल रहा है, पता नहीं है कि दूसरा है। उनको लग रहा है कि मर गया होगा, लेकिन लोग बता रहे थे कि यही है, इसी ने मकसूद से मारा था। यही वो ग्राउंड है जो कि अब बढ़ा दिया गया है। पहले जब इसमें जब गिरा था, गिरने के बाद वहाँ पे गिरा हुआ था लड़का, वहाँ पे गिर गया था। तो गिरने के बाद जब उसको टाइगर ने जब मार दिया था, तो फिर इसकी बैरिकेटिंग को ऊपर कराया गया। और इसे अच्छा तरीक़ा से देख सकते हैं कि अच्छे तरीक़ा से इसका बैरिकेटिंग और बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी रखी गई है कि अंदर ना जा पाए लोग। देख सकते हैं सिक्योरिटी खड़ा है यहाँ पे, वो सिक्योरिटी टाइट है। देख सकते हैं गाइस, ये पूरा भीड़ लगा हुआ है टिकट के लिए। टिकट की महामारी पड़ी हुई है। यहाँ पे जो टिकट काट रहा है बहुत कम आ रहा है। गाइस पूरा टिकट की भीड़ है यहाँ पे, टिकट की लाइन लगी हुई है। लेकिन ऑनलाइन के थ्रू टिकट हो रहा है, ऑफलाइन बंद है यहाँ पे।